कल शाम सोपोर में इंडस्ट्रियल इस्टेट में भीषण आग लग गई, जिसमें करोड़ों रुपयों का नुकसान के साथ एक इंडस्ट्री पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। फायर सर्विसेज टीम और सोपोर पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इस दुर्घटना के बाद एडीसी सोपोर ऐसे रहना और जनरल मैनेजर इंडस्ट्रीज ने इंडस्ट्रियल इस्टेट सोपोर का दौरा भी किया। ये इनका इंडिविजुअल लॉस नहीं है, हमारा कोलैटरल लॉस है। हम सभी इस लॉस में, इस नुकसान में शरीक हैं एंड इसमें हमें जॉइंटली आगे आके जितना हमसे कंट्रीब्यूट हम कर सकते हैं, इसको फिर रिवाइव रिस्टेबलाइज करने में हमें आगे आना चाहिए। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे, ना रहेंगे आगे। एंड ये हमारा फैमिली मेम्बर है, जैसे मैडम ने भी बता भी दिया, हम फैमिली मेम्बर को पीछे नहीं रहने देंगे। वी जॉइंटली टेक हिम अलोंग एंड इंशाल्लाह कमिंग टाइम देखिए इससे बड़ी एमआर जहाँ पे होगी। रहा सवाल इसका लाइन डिपार्टमेंट, वो सारे इंशाल्लाह हम जुड़ के इसको सपोर्ट कर देंगे। एंड मेरी अदरवाइज भी गुजारिश रहेगी, बिकॉज यहाँ पे करीब 56 यूनिट होल्डर्स है, तो इनसे भी मेरी गुजारिश रही, बिकॉज अल्टीमेटली आप डायरेक्टली इसे इन्वॉल्व थे, तो आप भी इंशाल्लाह आगे आएंगे। बिकॉज जो मैंने यहाँ पे देखी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूनिटी है, उस यूनिटी को हम फ़ायदा लेके हम इसको पीछे नहीं रहने देंगे। एंड साथ ही साथ जो हमारी जी एम मैडम है या हमारे डी आई सी का जो ओवरऑल रोल बनता है इस इंडस्ट्रियल सेक्टर को आगे लेने के लिए, इनसे भी मेरी दरख्वास्त रहेगी कि जहाँ इनको पेपर वर्क में ज़्यादा एक्सपर्ट करना है तो वो भी करा देंगे। एंड कंक्लूसिव आई शुड से कि मुझे लग रहा है कि हमारा नुकसान है, कोई शक नहीं है, लेकिन टाइमली इस इफेक्ट में साथ दिस फायर सर्विस से कहीं ना कहीं हम कुछ बचा सके। लेकिन उम्मीद आगे है कि जैसे आपने भी बता दिया कि और कुछ बहुत कुछ हमने करना है एज एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे पीडीडी को लेकर, चाहे ड्रेनेज सेक्टर को लेकर, चाहे हमें फायर सर्विस को लेकर, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नोट में डाल के गवर्नमेंट को भेज देंगे, जितना हमसे हो सके उतना करा देंगे। एंड कोशिश हमारी ये रहेगी कि इंशाल्लाह कम ही टाइम में इंशाल्लाह इससे बड़ी इमारत इसमें एस्टेब्लिश होकर रहे। मैं निखत, जीएमपीआईसी बारामूला, मैं जनरल मैनेजर इस वक्त इंडस्ट्री से हूँ, यहाँ डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हूँ। तो ये जो हमारा यहाँ पे इस वक्त जो मिसहैप हो गया, तो मतलब वो मेरे पास वर्ड्स नहीं है कहने के लिए, क्योंकि अक्सर बेशतर मेरा यहाँ आना जाना होता था इस एस्टेट में। तो फर्नीचर को लेकर मेरे ख्याल में ये जो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ कश्मीर जो है, सबसे बड़ा यूनिट था, बहुत अच्छा फर्नीचर बनता था यहाँ पे और फुल्ली इक्विप्ड था। कोई ऐसी चीज़ जो फर्नीचर में होती है था ही नहीं कि जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो मैं यही कहूँगी कि ये हमारी इंडस्ट्रीज़ को बहुत बड़ा लॉस है, ये जो इस वक्त कल शाम को यहाँ पर मिसहैप हो गया। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत शुक्रगुजार हैं, एडीसी सर है वहाँ पर हमारे मेरे साथ हैं इस वक्त, इनके ताउन से कल यहाँ जो फायर फाइटर्स आ गए, उन्होंने बहुत कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ हम बचा नहीं पाए यहाँ पे। लेकिन शुक्र ये है कि ये एक यूनिट का, इस यूनिट का नुकसान हो गया, लेकिन जो बाकी यूनिट्स हैं वो बच गए, वो उसके लिए हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। लेकिन अब यही है कि इनका यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस वगैरह नहीं था, जो इनका मतलब जिस वजह से इनका और भी लॉस हो रहा है, या यहाँ पे एस्टेट में हमें जो आज इस एक्सपीरियंस ये हो गया कि यहाँ पे हमारा एक अलग से एक फायर फाइटर होना चाहिए। वो मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को थ्रू एडीसी सर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आगे से इन ये मतलब हम प्रपोजल में रखेंगे कि कम से कम ये हमारा जो इस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे बारामूला का ताल्लुक है, इस वक्त मेरे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज, तीन इंडस्ट्रियल एस्टेट्स है, सबसे बड़ा एस्टेट मेरा यही है जो सोपोर का है, 56 यूनिट्स फंक्शनल यूनिट्स है यहाँ पे हमारे। अगर हम बात करें, आपको नहीं आग लगने के बाद ही आप लोग क्यों जाग जाते हो? वो बात तो सही है, आपका कहना दुरुस्त है, लेकिन ये चीज़ है कि आपने कहीं पे भी अगर आप जे एंड के भी देखेंगे, अभी तक हमारी पॉलिसी में या एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कहीं भी किसी भी एस्टेट में ऐसी सहूलियत नहीं है। तो लेकिन अब एक्सपीरियंस हमारी हो गई, हमारी रिक्वेस्ट यही होगी जे एंड के गवर्नमेंट से और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि आगे के लिए लेकिन करोड़ों में इनका नुकसान होगा यहाँ पे, क्योंकि ये हमारी फैमिली है जिसको इस वक्त नुकसान पहुँचा, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो इन्हीं से है, हमारे होल्डर जो है, हमारे यूनिट जो है, इन्हीं से इंडस्ट्री है। मैं आपके वसात से यही कहूँगी इन हमारे यूनिट होल्डर्स को, या जो इस वक्त हमारे जो इसको जिनको हमारे नुकसान पहुँचा यूनिट होल्डर को, यही कहना चाहूँगी कि हमारी तरफ से पूरा ताउन इनको मिलेगा, और यहाँ पे मेरा एज अ जीएम
मेरी ज़रूरत इनको होगी किसी भी लाइन डिपार्टमेंट से इनके कागजात को लेकर, क्योंकि ये भी हम कहेंगे कि इनको हम इलीगली कुछ करने नहीं देंगे। अगर हम इस तरह इमोशंस में आके इनको बोलेंगे चलो जी आप ऐसा करो वो करो, लेकिन आगे के लिए वो इनके लिए प्रॉब्लम होगी।